नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। नवरात्रि महोत्सव के चलते पूरा गुना शहर हुआ माता की भक्ति में लीन। इन दिनों नवरात्रि महोत्सव के चलते गुना शहर में आकर्षक झांकियां लगाई गई हैं, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। गुना ही नहीं, गुना के आसपास से भक्त बड़ी संख्या में झांकियां देखने के लिए गुना पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं गुना में लगी कुछ आकर्षक झांकियां। जय माता दी। हाँ, सभी माता बहनों से मेरा अनुरोध निवेदन है कि कुछ ही समय बाद यहाँ माता रानी के दरबार में महिला संगीत किया जाएगा। सैनिक ने की जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त। कालापाटा निवासी विजय रावत ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा था, विगत कुछ समय पहले से होमगार्ड सैनिक विजय रावत का मानसिक रोग का इलाज चल रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
आचार संहिता लगते ही गतिशील हो गई यातायात पुलिस, जिसके चलते हाट रोड पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई। जैसे ही यातायात कर्मी अपने अधिकारियों के साथ हाट रोड पर पहुंचे तो वहां से दुकानों को हटाना शुरू किया जो कि अतिक्रमण में थी। इसी के साथ जिन दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा था उनको भी समझाइश दी गई। इस बीच कई दुकानदारों का विवाद भी यातायात कर्मियों के साथ हुआ, जो लोग समझने को तैयार नहीं हैं कि उनके अतिक्रमण करने से प्रशासन को जितनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता उससे ज्यादा आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छह दिन पहले मकसूदनगढ़ थाना उकावत चौकी क्षेत्र में आने वाले बनिया टोड़ी गांव के पास हुई ट्रैक्टर थ्रेसर मोटरसाइकिल सहित 15,000 नकदी की लूट की घटना का आज मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी विनय शर्मा ने खुलासा कर दिया। साथ ही लूट के 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला यह है कि 6 दिन पहले मकसूदनगढ़ थाना उकावत पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले बनिया टोड़ी गांव के पास राजस्थान अलवर निवासी सूबेदार खान और उसके बेटे मुफनीत खान के साथ लूट की घटना सामने आई थी, तो आनन फानन में मकसूदनगढ़ पुलिस हरकत में आई। इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी विनय शर्मा और उनके पुलिस स्टाफ की रही, जिन्होंने दिन रात एक करके 6 दिन में ही लूट की घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बारह वर्ष पुराने जुए के प्रकरण में पुलिस ने पकड़ा आरोपी मोहम्मद अजीज। इस आरोपी को पकड़ने में सिटी कोतवाली के आरक्षक सुरेंद्र मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आरोपी ड्राइवरी करता था जिसके चलते पकड़ाई में नहीं आ रहा था। कई बार पुलिस ने उसके घर पर भी दबिश दी लेकिन यह कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। वहीं सुरेंद्र मिश्रा ने अपने मुखबिर तंत्र को और सक्रिय करके उसको पकड़ने में सफलता हासिल की। एक और तो पुलिस अधीक्षक पुराने वारंटियों को पकड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जुआ और सट्टे के कारोबार में जो लिप्त हैं उन पर न जाने क्यों पुलिस अधीक्षक ने अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। मेरा भाई इससे काम कर रहा है, अबे चेहरा तो ऊपर कर, आखे आदमी खोल के रखा कर, थोड़ा मुस्करा। मोहम्मद अजीज पुत्र चंपा शाह 12 साल पुराने जुआ के प्रकरण से पंजीबद्ध था और ये जुए की ड्राइवर था, तो पुलिस की पकड़ से भारत से गांव कई बार पुलिस गई मिला नहीं। कलारोन गुना के बीच बस स्टैंड पर ये इसका 12 वर्ष पुराना जुआ का प्रकरण था। राधोगढ़ से एक जनप्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से शिकायती आवेदन दिया, जिसमें कहा कि राधोगढ़ में एसडीएम के तानाशाही रवैये के चलते मां दुर्गा की झांकियों में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे साउंड नहीं चलाया जा सकता। राधोगढ़ से आए जनप्रतिनिधि मंडल ने बताया कि राधोगढ़ में कल नवीन पदस्थ एसडीएम पहुंचे और वहां पर झांकियों में चल रहे डीजे को बंद करवा दिया। एसडीएम ने अभद्रता करते हुए यह भी कहा कि यदि 10 बजे के बाद डीजे चलाए गए तो सबको अंदर कर दूंगा।
या किसी न किसी धारा में उन्हें जेल भिजवा दूंगा। इस प्रतिनिधिमंडल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 9 बजे राधोगढ़ के आसपास की माता बहनें अपने दैनिक कार्यों करके झांकियां देखने के लिए आती हैं। जब तक वह झांकियों में पहुंचती हैं तब तक सन्नाटा सा छा जाता है जिससे वह वापस लौट जाती हैं। वहीं जिलाधीश को दिए अपने ज्ञापन में उन्होंने यह भी मांग की कि नवदुर्गों में कम से कम 12 बजे तक डीजे बजाने की परमिशन दी जाए। चलाना ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं तो, आप क्यों चला रहे हो मेरे ऊपर? के बाद एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर? और क्या है, नियम कानून कोई चीज नहीं, नहीं। मजाक बना दिया है सब। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 बजे तक बंद करने का। आपको थाने में बैठा के आपकी मीटिंग ली थी, किसने ली थी? राहुगढ़ जो है अपना, वहाँ पे हिंदू समाज के व्यक्तियों ने सारे मिलकर झांकी लगाई। झांकी में SDM साहब ने खुद स्वयं आकर ऐसे निर्देश दिए कि भैया 10 बजे तक आप साउंड चला सकते हैं, 10 बजे के बाद नहीं चलाएंगे। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा, नहीं साहब 10 बज के अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। तो उन्होंने कहा, मुझको क्या ज्ञान बता रहे हो? इस प्रकार उन्होंने डांटा फटकारा, अभी धारा लगा दूंगा। इस प्रकार उन्होंने SDM साहब ने अपनी तानाशाही दिखाई और झांकियों को बंद करने के, डीजों को बंद करने के निर्देश दिए गए कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप नहीं बजा सकते। जो हमारे गांव से माता बहना आती हैं वो 9 बजे तो भोजन प्रसाद बना के फ्री होती हैं। जब रावण नगर में आते आते उन्होंने कहा 10 बज जाती हैं। जब 10 बजे साउंड बंद हो जाते हैं वो सोचती हैं कि अब झांकी बंद हो चुकी हैं, तो इस प्रकार लौटने लगते हैं। तो गाँव से भी हमारे पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं, गाँव से भी व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि हम झांकी देखने अब जाए नहीं, जाए खुले या नहीं खुले, ऐसे असमंजस में रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि झांकी 12 बजे तक खुलें, 12 बजे तक साउंड बजे और हमारे विधिवत हिंदू परंपराओं के साथ जो होता आ रहा है प्रोग्राम कार्यक्रम वो इसी प्रकार हो, उसमें किसी प्रकार का प्रशासन आचार संहिता। उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रत्येक माह व्यक्तिगत विकास प्रकोष्ठ की तरफ से नैतिक मूल्य पर व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजित करना जरूरी है। इसी के चलते आज उच्चतर महाविद्यालय में व्यक्तिगत विकास की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल कलेक्टर अखिलेश जैन ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। इसी के साथ प्रोफेसर AS वर्मा, प्रोफेसर विष्णु श्रीवास्तव एवं प्रभारी प्राचार्य BK तिवारी एवं डॉक्टर PN मिश्र मौजूद रहे। अपनी आत्मा के सर्वांगीण विकास पर जाना। प्लान करने के बाद टाइम टेबल दीवार पर लिख के चिपका देने से काम हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। एक फटेगा, कुछ दिन बाद दूसरा चल जाएगा। यही होता है, किसी टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत मुश्किल। एक हफ्ते फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल। ध्यान से सुनिए, जो मैं पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। सभी कमीशन सहमत है? स्वस्थ मुझे सहमत होंगे इस बात से। जब हम एक दिन फॉलो नहीं कर पाते, न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।